हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम पहले मैंने अपनी बाइकॉनर ट्यूटर्स के बारे में एक वीडियो बनाई थी, जो कि लोगों को उसमें काफ़ी डाउट आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं उस वीडियो को। तो मैंने जस्ट अपनी स्टोरी शेयर की थी, पर कई लोगों को, मतलब कई हमारे फ्रेंड्स हैं जिनको कुछ डाउट है, जिनका भी बाइकॉनर ट्यूटरस है। तो हाँ, ये एक, मतलब जब भी हमें ये पता चलता है कि हमारा बाइकॉनर ट्यूटरस है, तो थोड़ा सा टेंशन तो होती है। मुझे भी हुई थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि, मतलब जहाँ भी हम पढ़ते हैं या फिर कुछ भी हम इसके बारे में रिसर्च करते हैं, तो काफ़ी निगेटिव भी आंसर आते हैं। हमें ज़्यादातर निगेटिव रिप्लाई मिलता है वहाँ से, तो हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। और ये हमारे लिए एक नई चीज़ हो जाती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो पता भी नहीं था कि यूट्रस भी, मतलब कई तरह का होता है, इसके भी अलग अलग वो होते हैं। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मेरे लिए तो बिल्कुल नई थी ये चीज़। तो मैं शुरुआत से बताती हूँ। जैसे ही हमारा फर्स्ट स्कैन हुआ, एक तो एक और बात मैंने उसको बताना, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं समझा था, तो मैं बताती हूँ। मेरा जब पीरियड मिस हुआ, तो उसके बाद जब मैंने टेस्ट किया, पीरियड मिस होने के 3-4 दिन बाद जब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, तो वो निगेटिव आया। फिर उसके बाद अगेन मैंने सोचा चलो एक हफ्ते बात करते हैं। तो फिर मैंने एक हफ्ते बाद फिर टेस्ट किया, टेस्ट फिर से निगेटिव आया। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो जो हमारी गाइनकोलॉजिस्ट, उनके पास मैं गई। तो करीब हो गए थे, पीरियड मिस हुए करीब 15 डेज हो गए थे हमारे। तो मैं जब वहाँ गई, तो उन्होंने एक टेस्ट, यूरिन टेस्ट लिखा, जिससे कि क्लियर हो जाना था कि, मतलब यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट लिखा, जिससे क्लियर हो जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रेगनेंसी है भी या नहीं। तो फिर हमने वो टेस्ट कराया, तो वो रिपोर्ट भी निगेटिव आई। तो फिर उन डॉक्टर को मैंने दिखाया जाके, तो उन्होंने मेडिसिंस लिख दी कि ये मेडिसिंस आप खा लो, जिससे कि आपका पीरियड हो जाएगा। तो मैंने घर में, मम्मी जो भी हमारे बड़े थे, तो इस मैंने मम्मी को बताया अपने, कि मम्मी डॉक्टर ने तो ऐसे बोल दिया कि आप दवा खा लो, पीरियड हो जाएगा। पर मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, मेडिसिन, मतलब दवा नहीं खानी है। तो फिर हमने, मतलब दवा नहीं दी, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी उम्मीद थी कि शायद नहीं कुछ है। और ये भी था कि पहले के ज़माने में मम्मी, मतलब बोलने लगी, पहले के टाइम में तो कोई स्कैन वगैरह नहीं होता था, जब महीना रुक जाता था तो ऐसे ही पता चलता था कि प्रेगनेंसी है। तो चलो, ये तो अलग बात हो गई। आजकल मतलब इतनी टेक्नोलॉजी है जिससे सब पता चल जाता है। तो फिर मैंने दवा नहीं खाई, नेक्स्ट मंथ आने ही वाला था, मतलब दूसरा पीरियड का टाइम भी आ गया। लगभग लगभग 20 से 25 दिन हो गए थे, 25 दिन हो गए। तो दूसरा पीरियड आने का टाइम हो गया, फिर मैंने एक दिन फिर से टेस्ट किया। बीच बीच में भी मैंने करीब 3-4 किट, मतलब मेरी यूं ही वेस्ट गई, निगेटिव आता जा रहा था। और मैं हर वीक में टेस्ट करती जा रही थी, पर ऐसा कोई, मतलब पॉजिटिव नहीं आया। फिर एक दिन मैंने फिर से ऐसे टेस्ट किया और सोचा अगर इस बार निगेटिव आएगा तो फिर मैं मेडिसिंस ले लूँगी। तो वो टेस्ट जब मैंने किया, तो हम लोग बिल्कुल शॉक्ड रह गए जब वहाँ पे हमने 2 लाइंस देखी कि पॉजिटिव आ गया। हम इतना खुश हुए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें डर था, कि क्योंकि उसके बारे में भी हमने पढ़ रखा था कि इसमें भी फॉल्ट होता है, कभी कभी पॉजिटिव दिखा देता है और पॉजिटिव होता नहीं। पर कोई नहीं, फिर हम गए डॉक्टर के पास में। तो वहाँ पे वैसे तो हो चुके थे 11 वीक्स। जब हम डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने हमें, मतलब अल्ट्रासाउंड के लिए रेकमेंड किया। उन्होंने बोला आपके, मतलब पीरियड मिस हुए, जो मेंस्ट्रुअल सर्कल होता है उसके अकॉर्डिंग 11 वीक्स से ऊपर हो चुके हैं, तो आप स्कैन करवा लो। तो उन्होंने लिख के दिया, और हम जब, हमारा स्कैन हुआ, जो हमारी फर्स्ट रिपोर्ट आई,
तो मैं आप लोगों के साथ में अपनी रिपोर्ट्स भी शेयर कर दूंगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। तो जब मेरी फर्स्ट रिपोर्ट आ गई तो मैं उसे लेकर डॉक्टर के पास गई, और डॉक्टर वहाँ पे हाईलाइट हो रखा था कि बाय कॉर्नोट यूट्रस रिपोर्ट में। तो हमें भी ये चीज़ और बाकी सब कुछ नॉर्मल था, जो बच्चे का जितना भी फिटस सर्कुलेशन वगैरह और सारी चीज़ें रिपोर्ट में नॉर्मल थी। सिर्फ एक चीज़ हाईलाइट हो रखी थी कि बाय कॉर्नेट यूट्रस, तो वो हमें समझ नहीं आ रही थी। फिर हमने डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं जो नॉर्मली पेशेंट को देखते हैं, फिर वो डॉक्टर, उन्होंने सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट किया, मेरी रिपोर्ट्स लेके गए उनके पास में। तो उन्होंने मेरे मुझसे बोला कि अपने हस्बैंड को बुलाओ। तो मुझे, मैं बिल्कुल डर गई, मुझे लगा कि मतलब कुछ अब नॉर्मलिटी है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है कहीं, मतलब मुझे डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तो फिर ये भी गए तो इनको भी बुलाया, हम दोनों वहाँ पे थे। तो डॉक्टर ने बोला देखिए आपका यूट्रस, उन्होंने पूरा समझाया कि यूट्रस जो होता है हार्ट शेप में होता है, तो उसमें बीच में लाइन है, मतलब कि दो यूट्रस हो गए हैं, एक लेफ्ट एक राइट, तो आपका जो बेबी है वो राइट साइड में है। तो उन्होंने बोला कि प्रेगनेंसी में तो कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, मोस्टली 80-90% केसेस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है और आराम से मतलब बच्चा हो जाता है। बस ये होता है कि कभी कभी अर्ली डिलीवरी भी हो जाती है, और कुछ ज़रूरी नहीं कि आपके साथ में प्रॉब्लम हो। तो उन्होंने फिर बोला, तुरंत ही उन्होंने रिपोर्ट देखते ही हमें बोला कि आपका सी सेक्शन होगा। तो पहले ही रिपोर्ट थी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड, तो हम बिल्कुल डर गए थे कि डॉक्टर ने पहले ही रिपोर्ट देखते बोल दिया था कि सी सेक्शन के अलावा नॉर्मल डिलीवरी का कोई चांस नहीं है। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया था कि नॉर्मल डिलीवरी का चांस है ही नहीं। तो बायकॉर्डियल ट्यूट्रस को लेके आप डरे नहीं, आप लोग काफ़ी पैनिक हो जाते हैं हम लोग, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके डॉक्टर जैसा एडवाइस करें आप वैसा ही करते जाएं, जितने भी स्कैन लिख रहे हैं वो सारे स्कैन करवाएं, इससे कि पता चलता रहेगा कि आपके बच्चे की ग्रोथ वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, और डरने की कोई बात है ही नहीं। नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी आजकल, मतलब आजकल क्या, नॉर्मल प्रेगनेंसी भी होती है तो भी डर लगता है, और बायकॉर्नेट यूट्रस होना नॉर्मल बात है। अब मुझे नहीं पता था कि मेरा होगा, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका बायकॉर्नेट यूट्रस है, और किसी किसी का मतलब और भी इसके नेम्स हैं, अलग अलग तरह का यूट्रस होता है, बीच में किसी में जॉइंट होता है और नीचे की साइड जॉइंट हो जाता है यूट्रस में। तो मेरा जो है सीधी लाइन है बीच में, तो मेरा बेबी था राइट साइड में, और पूरी प्रेगनेंसी में ओवरऑल जितने भी स्कैन जैसे जैसे डॉक्टर कंसल्ट करते थे मुझे, मैंने वैसा वैसा ही किया है। और जो भी वो एडवाइस करते थे, जैसे कि मुझे प्रोटीन मिल्क पीने को बोला था प्रॉपर दूध के साथ में लेने को प्रोटीन, तो प्रोटीन पाउडर, तो वो हमने लिया। तो अगर आप डाइट जानना चाहते हैं तो वो भी मैं अलग उसके लिए वीडियो बना के आप सबके साथ में शेयर कर दूंगी कि मेरी क्या डाइट रही है ओवरऑल प्रेगनेंसी में। मैं बस इतना कहूँगी कि आप सब अपना बहुत ध्यान रखें, ख्याल रखें, जो भी प्रिकॉशंस लेनी होती हैं आप वो कीजिए, और रेस्ट प्रॉपर करिए, रेस्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी तो प्रेगनेंसी होती है, बायकॉर्नेट यूट्रस हो या नॉर्मल यूट्रस हो, बस फर्क इतना पड़ता है कि इसमें मेरे हिसाब से तो मतलब मेरे मेरे केस के अकॉर्डिंग तो सी सेक्शन ही बोला था, बस यही एक प्रॉब्लम हो जाती है। और इसमें भी नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है, मैंने सुना है ऐसा कि नॉर्मल डिलीवरी के भी चांस हो जाते हैं एंड तक, लेकिन कोई बात नहीं, सी सेक्शन तो आजकल जिनका नॉर्मल यूट्रस है उनका भी हो रहा है, तो हमारा बायकॉर्नेट यूट्रस है। तो नीचे मतलब बोलते हैं यूट्रस में नीचे यूं बीच में लाइन होती है, तो नीचे की साइड बच्चा नहीं आ पा रहा था, नीचे ही नहीं आएगा, नीचे जॉइंट है तो बच्चा नीचे नहीं आ पाएगा, तो कैसे डिलीवरी हो सकती है नॉर्मल।
और डॉक्टर ने 28 जुलाई का टाइम दिया, क्योंकि हम लोग ने पहले सोचा था कि शायद नॉर्मल हो जाएगा, या फिर वो पहले उन्होंने इतना नोटिस नहीं किया, तो फिर 27 28 को बोला कल हम 12 बजे ऑपरेट करेंगे। और 27 को जैसे ही शाम होती गई, मुझे थोड़ा सा पेन स्टार्ट हो गए, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में मुझे लेवर पेन बोलेंगे या जो भी था, वो बहुत पेन होता था मुझे, मतलब रुक रुक के पेन होना शुरू हो गया था। तो मेरा जो ये सी सेक्शन हुआ था, इमरजेंसी में हुआ था, क्योंकि डॉक्टर ने तो नेक्स्ट डेट दे रखी थी 28 की, लेकिन मुझे पेन होने स्टार्ट हो गए थे। तो फिर उन्होंने इमरजेंसी में 11:30 बजे रात को मेरा बेबी हुआ था। तो इस तरह से मेरा जो सी सेक्शन बाइकॉर्नर ट्यूट्रस, तो आप यकीन मानिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। हाँ, बस इतना था, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखा था अपना, क्योंकि डर तो मुझे भी था कहीं ना कहीं कि बाइकॉर्नर ट्यूट्रस का थोड़ा सा डर था, पर डॉक्टर ने कभी ऐसा डराने वाली कोई बात नहीं बोली मुझसे। जो मेरे डॉक्टर थे, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि मिसकैरेज के चांस हैं या फिर कुछ भी, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। बोला बस इतना बोला था कि 4-5 महीने ध्यान रखो, ट्रेवल वगैरह ना ही करो तो अच्छा है, इस तरह के कुछ सजेशंस थे उनके। और अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, ऐसे मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या बताऊं। एक दो कमेंट थे कि लेफ्ट में था या राइट में, तो मेरा बेबी राइट में था। और एक कमेंट आया था कि मेरा जो प्रेगनेंसी टाइम, तो पूरे 9 मंथ कंप्लीट होकर फिर जो वीक आया, फर्स्ट वीक में ही मेरी डिलीवरी हुई थी, 9 मंथ पूरे कंप्लीट होने के बाद। तो इस तरह से डिलीवरी टाइम जो मेरा था, पूरा जो 40 वीक्स का होता है, वही था सेम। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोई स्पेशलिस्ट या डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर हाँ अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैंने वो चीज़ फील की है, तो उसके थ्रू मैं आपको आपके जो पर्सनल डाउट्स हैं कुछ, वो आप पूछ सकते हैं, मैं वो बताने की कोशिश करूँगी। अगर मुझे पता है उसके बारे में तो मैं बता सकती हूँ। और आप सब अगर मेरे व्लॉग्स वगैरह देखते हैं तो आपने मेरे बच्चे को तो देखा ही होगा। कुछ लोगों को डाउट था कि मेरा बेबी है या नहीं, तो अभी मेरा जो बेटा है वो 10 मंथ का कंप्लीट हो गया है कल ही से। कल 27 थी, आज की डेट पे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आज 28 जुलाई, सॉरी 28 है, तो कल ही उसका 10 मंथ कंप्लीट हो गया। और वो भी नॉर्मल है बिल्कुल, मतलब जब वो प्रेगनेंसी टाइम में भी काफ़ी एक्टिव लगता था, और अभी भी वो बहुत एक्टिव है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी है मेरे बेटे में या बच्चे में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आप बेफिक्र रहिए, अपना ध्यान रखिए, आप इस बात को स्किप करिए, दिमाग से निकालिए कि मेरा बाइकॉर्नर टीओट्रस है। अगर डॉक्टर ने आपकी कोई रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम रिपोर्ट्स में आ रही है, क्योंकि वहीं से पता चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या नहीं है, तो ये चीज़ डॉक्टर बताएंगे, आपके स्कैन जो होंगे उसी से पता चलेगा। बाकी तो अगर आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर बाइकॉर्नर ट्यूटर्स को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन लेना भी प्रेगनेंसी में बिल्कुल गलत है। मतलब प्रेगनेंसी में स्ट्रेस सबसे बड़ा वो होता है, कि प्रेगनेंसी में आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ये भी तो निगेटिविटी होती है एक, ये भी तो उस स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता स्ट्रेस लेना, इसका असर बच्चे पे भी बहुत पड़ता है। तो इसलिए आप जितना खुश रह सके उतना खुद को हैप्पी रखिए, और अपना ध्यान रखिए, पानी वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए, मिल्क वगैरह लेते रहिए, पनीर वगैरह, अगर आप अंडे खाते हैं, अंडे वगैरह, जो नॉन वेज खाते हैं चिकन वगैरह, तो वो ले सकते हैं। उस मैं नहीं खाती तो उसका मुझे नहीं आइडिया है। तो इस तरह से आप अपनी डाइट का ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए। तो चलिए, आई होप कि आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।